अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 16 में। सबसे पहले प्रेसिडेंट 16 की सराउंडिंग्स और लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रेसिडेंट 16 जो है गेट से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे वाक़े हैं। मेरे बैक साइड पे ये देख सकते हैं पैरागोन के ये अपार्टमेंट्स हैं, और ये प्रेसिडेंट 16 का ये बोर्ड लगा हुआ है। पीछे आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं, बहुत सारे घर यहाँ पर बन चुके हैं। मेरे राइट साइड पे अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये ग्रैंड जामा मस्जिद है, और इसके बिल्कुल फ्रंट पे मेरे सामने ये मलिक रियाज साहब का घर है, अली विला जिसको कहा जाता है, ये आपको नज़र आता है। और ये सामने गाड़ियां जो चल रही हैं ये मेन जिना एवेन्यू है। तो ये जो प्रेसिडेंट 16 का ये पोर्शन है ये टच करता है जिना एवेन्यू को। मेरे बिल्कुल सामने जिना एवेन्यू है, तो 6 से 7 किलोमीटर पर आप गेट से इंटर होने के बाद आप जिना एवेन्यू के थ्रू इस 16 प्रेसिडेंट पर आप इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से भी देखते हैं, बहुत सारे घर फिनिश्ड हो चुके हैं। और प्लॉट्स के अगर प्राइसेस की हम बात करते हैं तो प्लॉट जो इस वक्त यहाँ पे हाइटेड लोकेशन पे 60-65 पे आपको प्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और इससे बैक साइड पे थोड़ा सा डाउनवर्ड लोकेशन पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 50 से 55 की ब्रैकेट पर भी आपको 272 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आप इस तरह का फिनिश्ड कम्प्लीट विला लेना चाहते हैं कम्प्लीशन के साथ, तो वो तकरीबन लगभग 3 करोड़ के आसपास, 280 से 3 करोड़ की ब्रैकेट पर आपको कंप्लीट इस तरह का विला आपको मिल जाता है। अगर ग्रे स्ट्रक्चर विला 5 बेडरूम्स का लेके 272 स्क्वायर यार्ड्स में 5 बेडरूम्स का घर लेके उसको फिनिश करवाना चाहें, ग्रे स्ट्रक्चर सिर्फ लेना चाहें, वो भी 180 से 2 करोड़ की ब्रैकेट में या 2 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट में आपको ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट मिलता है, जिसमें अपनी मर्ज़ी से फिनिशिंग करवा के उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप इसमें अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो सिर्फ इस वक्त मार्केट 50% जहाँ पे मार्केट डाउन है वहाँ पे आप प्लॉट को सिर्फ परचेज़ करके रख लें, और इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं। तो अपने बजट के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, लेकिन जो भी करना है वो जल्दी करना है। मैंने सारी वीडियोस में बताई है कि दिसंबर अपना 2025 के मिड तक आपने बेरिया में जितनी परचेजिंग कर सकते हैं आपने परचेजिंग करनी है। उसके बाद आपने जैसे रिसेंटली आपने देख लिया प्राइजेस इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, तो ये अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ है, ये आगे बढ़ता जाएगा। जो 50% कम रेट्स हुए वो सबसे पहले तो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है 2021 की, जो पोजीशन 22 की जो पोजीशन है उस पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर फर्दर जो इसमें इंक्रीमेंट्स आएंगे वो फ्यूचर पे 1-2 सालों के बाद देखने में नज़र आएंगे। तो 2025 के मिड तक आपने बेरिया में अपनी प्रॉपर्टी या अपना प्लॉट या अपना घर परचेज़ करना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाइंग इन बेरिया टाउन कराची। तो ये प्रेसिडेंट 16 के हवाले से मैंने आपको बता दिया। हमारी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है वो ग्राउंड फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है, और रिसेंटली जितनी भी SOPs बेरिया की अमेंडमेंट्स हो के न्यू SOPs आई हैं उसके हिसाब से हम ड्राइंग्स बनाते हैं, NOCs बनाते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स निकालते हैं, और इंजीनियरिंग की पूरी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी प्लॉट लेके आपको कंस्ट्रक्ट करके एंड में कंप्लीशन दिलाने तक हमारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।